और परिणाम परीक्षा का घोषित करें। परम पूजनीय श्री केएन राव जी, जो हम सबके गुरु हैं, आदरणीय श्री अशोक प्रधान जी, डायरेक्टर भारतीय विद्या भवन, श्री दिलीप भाटकर जी, प्रिंसिपल ऑफ एसपी कॉलेज, श्री राजेश मिश्रा जी, रजिस्ट्रार दिल्ली केंद्र, श्री शिवराज शर्मा जी, हमारे सीनियर मोस्ट फैकल्टी एंड फैकल्टी के हेड हैं ये, श्री के जोशी जी जो एग्जामिनेशन कमेटी में हैं और सीनियर हैं हमारे, दीपक विशालिया जी कोर कमेटी में मेंबर हैं, श्री अनिल सिंह जी अगेन कोर कमेटी में मेंबर हैं और चेयरमैन एडमिशन कमेटी हैं, मेरे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, मेरे सह शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस अपना जो बोल रहा हूँ इसको दो भागों में डिवाइड करूँगा। पहला आपका वेलकम जो नए स्टूडेंट्स आए हैं और दूसरा रिजल्ट। तो सर्वप्रथम मैं केएन राव जी को नमन करता हूँ जिन्होंने एक मिशन के तौर पे एस्ट्रोलॉजी को शुरू किया है। और उनका मिशन क्या है जो मैं समझता हूँ, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि उनको समझ सकूँ, फिर भी जो मैं समझता हूँ उनका है कि कॉमन आदमी को एस्ट्रोलॉजी समझ आ सके, आम आदमी को एस्ट्रोलॉजी की समझ हो ताकि लोग उनको बेवकूफ ना बना सकें। आपने देखा होगा कोई काल कोई ये चीज़ें बता देता है कि भाई आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में ये है। अब तो मेरा पीए था एक दिन आया जी, मेरे दोनों बेटों की कुंडली में काल सर्प दोष बताया है तो मुझे पूजा करने के लिए जाना है। तो मैंने उनको समझाया काल सर्प दोष कुछ होता नहीं है, अगर आप पुराने स्क्रिप्चर्स उठा के देखो कहीं काल सर्प दोष का नाम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग पैसा हटने के लिए डराते हैं। टीवी पर आप देखो शनि देवता आ गए, आपकी 7:30 शुरू होने वाली है, तो राव साहब ने बताया कि 7:30 जरूरी नहीं खराब हो, उनकी रिसर्च है ऐसी शुभ है कि जो गोचर है वो दशा के बाद आता है, अगर आपकी दशा अच्छी है तो गोचर आपका कुछ नहीं कर सकता। उनका दूसरा मिशन यह है कि साइंटिफिक स्टडी हो एस्ट्रोलॉजी की, रिपीटेटिव, अगर एक चीज एक बार में प्रूव होती है तो वही चीज दूसरी बार में भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और उसके लिए यहाँ पर रिसर्च की जाती है। हमारे रिसर्च की जो फैकल्टी है बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी रिसर्च प्रोड्यूस की। जब आप एस्ट्रोलॉजी में आएंगे बेसिकली आप देखिए हिंदू फिलोसफी जो है और वैदिक फिलोसफी आई शुड से, उसके दो आधारभूत स्तंभ हैं। पहला है कर्म सिद्धांत, और कर्म सिद्धांत रीबर्थ के बिना अधूरा है। इन दोनों को मिला के ही सब चीज बनती है, इसके बेस पे ही एस्ट्रोलॉजी बनती है कि आप जो कर्म करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। इसलिए जो गलत कर्म करेंगे उनको गलत खराब ही फल मिलेगा, जो ज्योतिषी लोग दूसरों को बहकाते हैं पैसा हटते हैं उनको उनका फल भी उनको मिलेगा। एक और चीज है, जब आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो कृपया क्लास पे सीरियस होके ध्यान से पढ़ें। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी हमने तो सारी किताब इकट्ठी कर ली, मेरे पास तो 200 किताब है, तो 200 किताब का होगा क्या? संस्कृत में एक श्लोक है कि पुस्तकस्था तू या विद्या पर हस्त गतम चा धनम कार्य कार्य सम उत्पन्ने ना सा विद्या ना तद धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे को दिया हुआ धन, जब समय आता है वो काम नहीं आता। आपके पास कोई लेके आया पत्री, आप कहोगे मैं अपनी किताब पढ़ूंगा फिर बताऊंगा आपको, वो कहेगा अच्छा जी आपसे मैं किसी और को दिखा लूंगा। तो एक और चीज है, बहुत से लोग जब यहाँ एडमिशन लेते हैं उनको काफी कुछ आता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आता है उसको भूल जाओ, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें कुछ आता है, कुछ स्टूडेंट्स उनको कुछ नहीं आता, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है। आपको धीरे धीरे पता लगेगा जब आप आचार्य मानेंगे कि आपको जो आता था वो कितना बढ़िया नहीं था, यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो साइंटिफिक पढ़ा रहे हैं उसका फायदा होगा। एक और अभी आई डोंट नो आप लोगों ने कर्नाटका में एजुकेशन पॉलिसी का प्रपोज पेपर आपने पढ़ा है किसी ने? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सर कर्नाटका ने पॉलिसी पेपर बनाया है और उसका एक टॉपिक है इंडो सेंट्रिक स्टडी। अब पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाइथागोरस करीब 550 BC में हुए थे, हमारे यहाँ ऋषि हुए बोधायन,
जिन्होंने 800 BC में पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो संस्कृत में वो सूत्र है उनका, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी प्रधान जी ने बताया कि मेसोपोटामिया में ज्योतिषी का वो हुआ। मैं अपनी पूरी फैकल्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टडी करें इसको भी, क्या ज्योतिषी का वहाँ हुआ या हमारे यहाँ हुआ। तो वी विल डू स्टडी सर, जो आपने कहा है। अगर आप हमारे, क्यों मैं कह रहा हूँ ये, मैंने कर्नाटका का आपको क्यों बताया, हमें अपने शास्त्रों की स्टडी करनी चाहिए। होता क्या है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज जाते हैं, उनसे अगर बात करो शास्त्रों की तो वो कहते हैं ये तो बेकार है। अभी सर मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने गया था, टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप लेसंस फ्रॉम एंशियंट स्क्रिप्चर्स। तो मैंने क्लास में पूछा कि भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत पढ़ी है, 2-3 हाथ खड़े किए। हाँ, आप में से बताइए कितनों ने पढ़ी है और कितनों ने देखी है। सिमिलरली मैंने उनसे पूछा कि उपनिषद कितनों ने पढ़े, आप में से कितनों ने पढ़े। चलो, यहाँ उस कॉलेज में 600 बच्चे थे, 600 बच्चों में एक हाथ खड़ा हुआ था उपनिषद का। यानी हमें अपने स्क्रिप्चर्स में जो नॉलेज है उसको खोजने की कोशिश नहीं करते। एक नासदीय सूक्त है, आपने पढ़ा होगा बहुत लोगों ने, ये ऋग्वेद में है, ना असत एट द टाइम ऑफ क्रिएशन नॉन एग्जिस्टेंस वाज नॉट देयर एंड देन इट सेड इवन एग्जिस्टेंस वाज नॉट देयर बट देयर वाज समथिंग। 7-7 श्लोक है इसमें, आप मौका मिले तो आप इसको पढ़िए, आपको पता लगेगा जो बिग बैंग थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी, उससे फार सुपीरियर थ्योरी है ये। लेकिन हमारे लोग पढ़ते नहीं, हमारे साइंटिस्ट पढ़ते नहीं इन चीज़ों को। तो हमें एक स्टडी करने की जरूरत है, एक मिशन बनाने की जरूरत है। और ये मिशन किसने बनाया, आप देखिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना कब हुई, 1938 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, डॉक्टर टी एम मुंशी जी ने, जिनके नाम पे हाल है जिस पर बैठे हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। उनका पर्पस क्या था, अपनी एंशियंट जो स्टडी है, विद्या है, उसको पढ़ना। तो भारतीय विद्या भवन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में, हमारी संस्कृति के लिए। आज इसके 119 सेंटर हैं भारत में, भारतीय विद्या भवन के, विदेश में 7 सेंटर हैं, और इसके 367 स्कूल और दूसरे अलग चीज़ें हैं। तो पूरा मिशन की तरफ से काम कर रहे हैं। हमें भारतीय विद्या भवन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए भी, और साथ में पूरी इंडियन जो हमारे शास्त्र हैं उनको पढ़ाने के लिए भी। अब जो आपके नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, जो हमारे क्लासेज हैं वो सैटरडे संडे को होंगी। सैटरडे को जो टाइम है 2:45 से लेके 5:30 तक, और संडे को जो टाइम है वो 1:30 से लेके 4:45 तक, ये टाइम है। मैं इस सैटरडे जो 23 तारीख को आएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप 2:45 का वेट ना करें, पहले आ जाएं, 2:30 आ जाएं, 2:15 आ जाएं, क्योंकि आपकी क्लास का नोटिस लगेगा, कौन किस क्लास में जाएगा तो उसको देखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ताकि आप क्लास में टाइम पर पहुँच सकें। आप सबका जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी सीखेंगे। अब मैं अपने दूसरे पार्ट पे आता हूँ, रिजल्ट के ऊपर। जो सीनियर अलंकार और सीनियर आचार्य के विद्यार्थी हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है उनका। जो हमारी एग्जामिनेशन कमेटी है उसमें 3 लोग हैं, श्री शिवराज शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, श्री के जोशी भी यहाँ पर हैं, और मैं, हम 3 लोग हैं, और हम तीनों लोगों ने मिलकर इस रिजल्ट को बनाया है। हमारी जो हेल्प की है उसमें बनाने में, रवि पवार जी ने काफ़ी हेल्प की है, और विशाल अरोड़ा जी ने बहुत हेल्प की है, और एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में अनिल सिंह की काफ़ी हेल्प हुई है। इसके अलावा पूरी फैकल्टी ने हेल्प की है। सबसे पहले प्रॉब्लम थी मिड टर्म एग्ज़ाम की। हमारा ये था कि मिड टर्म एग्ज़ाम का रिजल्ट हम टाइम भी निकाल दें, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। तो हमारे जो फैकल्टी हैं, राजवीर सिंह, रमेश जी, श्रीनिवास जी, इनको कह रही आप 4 दिन में पेपर चेक करके दीजिए। सर, इन्होंने 4 दिन में पूरे पेपर चेक करके दिए, मैं तो बहुत आभारी हूँ कि ये तैयार रहते हैं हर काम करने के लिए। तो इसके बाद प्रॉब्लम थी ऑनलाइन एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट करें, क्योंकि पेपर हमारे पास सारे आने चाहिए जो उन्होंने वहाँ पर लिखे हैं।
तो उसके लिए हमने गूगल क्लासरूम का यूज़ किया, और गूगल क्लासरूम से भी कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उनसे फिर ईमेल से मंगाए, ताकि हमारे पास टाइमली सबकी आंसर शीट हमारे पास आ गई, और उनको चेक करने लोगों ने बड़ी मदद की, सारी फैकल्टी ने, ताकि टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। मैं यहाँ पर शिवपाल जी जो हैं भारतीय विद्या भवन के, मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ रिजल्ट डिक्लेयर करने में, बड़ी मेहनत उनकी लगती है। मैं इनके पास बैठा, जब रिजल्ट वार्षिक शिकार का मैं इनके पास बैठा, तो हर एक मिनट दो मिनट में तो इंटरप्शन होता है, और उसके बाद भी आदमी को मेंटल बैलेंस रखना आसान नहीं होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है श्रीपाल जी का। अब रिजल्ट के बारे में मैं आता हूँ, जो ऑनलाइन का रिजल्ट है पहले उसके बारे में बताता हूँ। टोटल 45 लोग अपीयर हुए थे ऑनलाइन, सीनियर आचार्य इंग्लिश मीडियम में, उसमें से 29 पास हुए और 41 जो है क्वालिफाइड हुए हैं आचार्य में जाने के लिए। अगर कोई आदमी 3 पेपर में पास होता है सीनियर अलंकार में तो एलिजिबल है आचार्य में जाने के लिए। दैट मीन्स 91% लोग प्रमोट हुए हैं। दैट्स इट बिग। इनमें जो 29 लोग पास हुए हैं इसमें से 20 लोगों की फर्स्ट डिवीजन है, 69%। अब आते ज्योतिष अलंकार हिंदी में, इसमें 31 लोगों ने पेपर दिए थे, 31 में से 28 लोग क्वालिफाई हुए हैं पास। 23 में ज्योतिष आचार्य से रिसर्च पे जाने के लिए 4 पेपर में पास करना जरूरी है, यहाँ 3 पेपर नहीं, यहाँ पर 4 पेपर में पास करना जरूरी है, और 31 में से 28 लोग क्वालिफाइड हुए हैं। दैट मीन्स 90.3% लोग सक्सेसफुल हुए हैं आगे रिसर्च में जाने के लिए। 23 में से 8 लोगों की फर्स्ट डिवीजन है, 10 लोगों की सेकंड डिवीजन है, और 5 लोगों की थर्ड डिवीजन है, तो इनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। ऑफलाइन ज्योतिष अलंकार जो है इसमें 27 लोगों ने पेपर दिए हैं, 20 इसमें पास हुए हैं, लेकिन क्वालिफाई जो आचार्य में जाने के लिए हैं वो 26 हैं, 96% लोग सक्सेसफुल हुए हैं इसमें। 8 लोगों की फर्स्ट डिवीजन है, यानी 40% लोगों की फर्स्ट डिवीजन है, एंड 10 लोगों की सेकंड डिवीजन है, 50% लोगों की सेकंड डिवीजन बनती है। ज्योतिष अलंकार हिंदी इसमें 37 लोग अपीयर हुए हैं, 22 पास हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स में, क्वालिफाई 34 हुए हैं, दैट मीन्स 92% लोग आगे अपग्रेड हो गए हैं। फर्स्ट डिवीजन 7 लोगों की है, 32% लोगों की फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन 55% लोगों की है। ज्योतिष आचार्य इंग्लिश 22 लोगों ने पेपर दिए हैं, 17 पास हुए हैं, 22 के 22 क्वालिफाई हुए हैं आचार्य में जाने के लिए, 100% लोग यहां पर प्रमोट हुए हैं। इसमें से 15 लोगों की फर्स्ट डिवीजन है, दैट मीन्स 88% लोगों की फर्स्ट डिवीजन है। इनका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है ज्योतिष आचार्य इंग्लिश का। ज्योतिष आचार्य हिंदी में 37 लोगों ने पेपर दिए हैं, 30 पास हुए हैं, 35 प्रमोट हुए हैं, तो प्रमोशन 95% है। फर्स्ट डिवीजन 17 लोगों की है, 57% लोगों की फर्स्ट डिवीजन है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 199 लोगों ने पेपर दिए हैं, उसमें से 186 लोग क्वालिफाई हुए हैं, दैट मीन्स क्वालिफाइंग जो है जो प्रमोट हुए 93.5% है। तो दैट्स अ गुड रिजल्ट, एंड आप सब लोगों को इसकी बधाई हो। अब मैं रिजल्ट डिक्लेयर करता हूँ जो लोग जिन्होंने रैंक लिया है। ऑफलाइन का रिजल्ट पहले, तो सीनियर अलंकार ऑफलाइन इंग्लिश, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधान जी से जो रैंक होल्डर्स हैं उनको अवार्ड दें, और साथ में मैं अपने भारतीय विद्या भवन के रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा। 356 मार्क्स, 356 मार्क्स हैं आपके, सेकंड पोजीशन अभिषेक कुमार मिश्रा, थैंक यू।
अभिषेक कुमार मिश्रा 348 नंबर हैं इनके। थर्ड पोजीशन रवि कुमार शर्मा, रवि कुमार शर्मा जी हैं। थैंक यू। थर्ड पोजीशन रवि कुमार शर्मा 344 मार्क्स हैं। रवि कुमार शर्मा हिंदी सीनियर अलंकार हिंदी, इसमें टाई है दो लोगों की, रेणु गुप्ता श्वेता अग्रवाल .357 मार्क्स है दोनों के। श्वेता रेणु बिहारी, श्वेता अग्रवाल। सेकेंड है दीपाली गुप्ता, दीपाली गुप्ता के 355 मार्क्स है, केवल दो मार्क्स का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड में। थर्ड पोजीशन है रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता के 352 मार्क्स हैं। सर इनमें बड़ा टफ टाई है, 357 से 352 में चार लोग आ गए। थैंक यू। सीनियर आचार्य ऑफलाइन इंग्लिश अजय शर्मा, अजय शर्मा जी ने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, 411 नंबर हैं। सेकंड है अजीत कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह के 395 नंबर हैं, बहुत ही ब्रिलियंट अच्छा स्कोर है। थर्ड है रश्मि, रश्मि जी के 381 नंबर हैं। सीनियर आचार्य ऑफलाइन हिंदी अनिल कुमार जोशी, अनिल कुमार जोशी जी के 357 नंबर है, 357। सेकंड है शिवांग, सेकंड पोजीशन शिवांग। सर शिवांग और अनिल जोशी जी में केवल एक नंबर का फर्क है। थर्ड है विजय कुकरेजा, विजय कुकरेजा के 344 नंबर हैं। सर छह हो रहे हैं।
सीनियर अलंकार इंग्लिश ऑनलाइन गीतू देव सर, ये दुबई में है, यहाँ नहीं आई हुई है हमारे, इसमें हो सकता है ऑनलाइन ये दिखा दें शक्ल इनकी। इनके सर 414 नंबर है। सेकंड जो है श्री अरुण जैन, वो भी नहीं आ पाए, एक बता रहे थे इनके फादर की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, इनके 403 नंबर हैं। अरुण जैन के सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन है सुनील कुमार सिंह, 376 नंबर हैं इनके सुनील कुमार सिंह के। सीनियर अलंकार हिंदी ऑनलाइन मनीष कुमार मिश्रा, फर्स्ट पोजीशन। नहीं है मनीष कुमार मिश्रा जी, नहीं है ऑनलाइन में है। सेकंड पोजीशन है चित्रा जैन, चित्रा जैन के 351 नंबर हैं, फर्स्ट और सेकंड में यहां भी एक नंबर का फर्क है केवल। थर्ड पोजीशन है प्रतिभा अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल ऑनलाइन है। सर ये खत्म हो गया सबका आवाज जो है, वो मनोहर सिंह जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अलंकार हिंदी की पवार जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आचार्य इंग्लिश की राजवीर और आचार्य हिंदी की जीवन पाठक, ये लोग इनकी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ऑनलाइन की अगर कुछ लोग आए होंगे तो रमेश जी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिन लोगों को अपने कोई भी अगर मार्क्स में रीचेकिंग करानी हो तो 31 जुलाई लास्ट डेट है, 31 जुलाई तक भारतीय विद्या भवन में आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और 15 अगस्त तक आपकी सबकी रिप्रेजेंटेशन का जवाब दे दिया जाएगा। 31 जुलाई के बाद कोई रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। वंस अगेन जो नए स्टूडेंट्स आए हैं मैं उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जो लोग पास हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। आपको उनसे करना है, भारतीय विद्या भवन की वेबसाइट आप सबके पास आपका स्मार्टफोन है प्लीज़ उसको क्लिक करिए और उसमें एस्ट्रोलॉजी कीवर्ड ढूंढिए। प्लीज़ टेक आउट योर मोबाइल फ़ोन, इसका जो पर्पस है वो करने से आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा। इससे क्या है कि ये इसका प्रचार भी होगा और साथ ही साथ ये एक मान्यता भी मिलती है कि भारतीय विद्या भवन की एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी लोग जो है रुचिपूर्वक उसमें पढ़ाई करते हैं। तो प्लीज़ क्लिक दी वेबसाइट ऑफ भारतीय विद्या भवन और प्लीज़ फॉलो दी यूट्यूब चैनल ऑफ भारतीय विद्या भवन, उसमें आप लोगों के द्वारा जो प्रदर्शन होगा उसके भी वीडियोस आएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अंत में वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री अनिल सिंह जी को कि वो स्टेज पर आए और अपने मन की बात। सबसे पहले मैं गुरदेव श्री केंद्रनाथ जी को नमन करता हूँ जो शायद YouTube पर हमारा देख भी रहे होंगे, जिनकी प्रेरणा से ये भारतीय विद्या भवन का ज्योतिष का कोर्स हमारा यहाँ तक आज पहुँचा है, जिसे आगे बढ़ाने में हमारे डायरेक्टर श्री अशोक प्रधान जी ने बहुत सहयोग दिया। समय समय पर जब भी वो किसी चीज़ के लिए कहा करते थे जब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे रिसर्च क्लासेस के लिए हमें हॉल की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये हमेशा इन चीज़ों को अवेलेबल किया कराया करते थे। और नए स्टूडेंट्स जो आए हैं वो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में लेके चलें और मान के चलें
कि शनिवार को और रविवार को जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस आप लोग कोई मिस ना किया करें। सैटरडे को आपकी तीन क्लासेस हुआ करेंगी, तीन पीरियड होंगे, दो पीरियड्स के बाद एक ब्रेक हुआ करेगा 20 मिनट्स का, उसके बाद तीसरा पीरियड होगा। और संडे को आपकी सिर्फ दो क्लासेस हुआ करेंगी और दो क्लासेस के बाद आपका छुट्टी हो जाया करेगी। डिसिप्लिन यहाँ मेंटेन करके रखें आप, इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि डिसिप्लिन बना के रखें यहाँ पे अच्छे से, कोई भी क्लास मिस ना करें। अगर किसी भी तरह की कोई आपको परेशानी होती है रोल नंबर की वजह से या कुछ भी पढ़ाने में समस्या वगैरह आती है, किसी टीचर्स को समझने में कोई परेशानी आती है, तो समय समय पर हम यहाँ पे मॉनिटर्स की मीटिंग भी रखा करेंगे, तो अपनी क्लास में जो भी आपके मॉनिटर होंगे वो अपनी सब परेशानियाँ वहाँ बता सकेंगे। उसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और बाहर आप लोगों की चाय इंतजार कर रही है, तो आप लोग चाय लेके जाएँ। और सभी फैकल्टी मेम्बर को धन्यवाद।